नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और आप देख रहे हैं टीवी 9 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मेवात जो आजकल हिंसा का केंद्र बना हुआ है, साइबर फ्रॉड का भी हॉटस्पॉट बन चुका है। अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो आपके फर्जी ऑडियो वीडियो कॉल्स आते हैं, कॉल्स आने और किसी लिंक पर क्लिक करते ही अकाउंट से जब आपके पैसे चले जाते हैं, इन फ्रॉड कॉल्स का कनेक्शन हरियाणा के मेवात से निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार के मुताबिक मेवात के 14 गांव साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। उनमें भी नू साइबर ठगों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए यहां साइबर पुलिस थाना खोला गया था। सोमवार को इसी थाने को जला दिया गया। कहा जा सकता है कि हिंसा का फायदा उठाकर साइबर ठगों ने थाने को टारगेट किया है। नू का साइबर थाना में 2 दिन पहले दंगाइयों की भीड़ दाखिल हुई। बस को हाईजैक करके सबसे पहले दीवार तोड़ दी गई। उपद्रवियों का मकसद तब तक साफ नहीं था, लेकिन इसके बाद वो थाने में आगे की तरफ बढ़े और सामने जो कुछ भी दिखा वो जलाकर राख कर दिया। टीवी 9 भारतवर्ष के संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है कि भीड़ ने टारगेट करके लैपटॉप और दस्तावेजों को जला दिया। क्या इसीलिए? ताकि साइबर अपराध के सारे सबूत खत्म हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, इस घटना में दर्ज FIR कहती है कि भीड़ पुलिस कर्मियों को जान से मारने के इरादे से आई थी। तो क्या नू की सांप्रदायिक हिंसा के पीछे साइबर ठग मॉड्यूल का दिमाग था? इस पर बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा हो रहा है। नू और मेवात का इलाका मिनी जामताड़ा के नाम पर बसता जा रहा है। साइबर की तरफ से लगातार उन पर नकेल कसी जा रही थी और साइबर थाना उसमें बहुत बड़ा हथियार था। तो ऐसे में इसका बहुत महत्व होता है कि साइबर थाने में जिस तरह से अटैक किया गया, उसके पीछे एक वजह ये भी हो सकती है कि किस तरीके से ये साइबर की तरफ से जो सेल है, जो टीम है, वो लगातार कोशिश कर रही थी कि उस पूरे नेक्सस को, गिरोह को तोड़ा जाए। और ऐसे में काफ़ी एक्शन भी हुआ था और कार्रवाई भी की गई थी और हैकर्स को पकड़ा तक गया था। ऐसी आशंका भी है कि साइबर थाने को फूकने में मिनी जामताड़ा यानी मेवात में साइबर अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग हो सकते हैं। इस सच्चाई से हरियाणा के गृह मंत्री भी इनकार नहीं कर रहे। ऐसा कहा जा रहा है कि बीते दिनों हरियाणा पुलिस ने नू में साइबर अपराधियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि नू हिंसा की आग के पीछे साइबर क्रिमिनल हो सकते हैं। नू में नलहड़ शिव मंदिर से हिंदू संगठनों की जलाभिषेक यात्रा शुरू हुई थी। यहां से साइबर थाने की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर थी। अप्रैल में नू के 14 गांव में साइबर ठगों के खिलाफ रेड पड़ी थी और उसमें खेरला गांव साइबर क्राइम का हब माना जाता था। यहां से साइबर थाने की दूरी करीब 27 किलोमीटर है। इसी खेरला मोड़ से यात्रा पर पहला पत्थर फेंका गया था। ऐसे में साइबर साजिश वाली आशंकाएं प्रबल हो गई हैं, क्योंकि नू से अनजान लोगों को फोन पर वीडियो कॉल करके उनका न्यूड वीडियो बनाकर सेक्सटॉर्शन किया जाता है। खरीद बिक्री वाले ऐप पर फर्जी ऐड देकर ठगी की जाती है। नकली बैंक अधिकारी बनकर जालसाजी की जाती है। फर्जी कॉल सेंटर बनाकर जालसाजी, पुलिस अधिकारी की फोटो लगाकर लोगों को पहले से डराना और फिर उगाही करना, ये सारे अवैध काम नू के इंटरनेट के जरिए होते थे। और अप्रैल में केंद्र सरकार के निर्देश पर जो बड़ी छापेमारी हुई थी, वो मेवात के 14 गांव में की गई थी। इस दौरान 125 आरोपियों को पकड़ा भी गया था। इनके ऊपर फोन और कंप्यूटर के जरिए लोगों से ठगी करने का आरोप है। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस की 102 टीम बनाई गई, जिसमें करीब 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे। मेवात के 14 में से 300 जगह रेड की गई थी। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में ATM कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, ATM स्वैप मशीन मिले थे। माना जाता है कि इस छापेमारी ने नू में तैयार साइबर अंडरवर्ल्ड की कमर को तोड़ दिया था। इससे तिलमिलाया माफिया बदले की फिराक में था और ऐसे में हो सकता है कि शोभा यात्रा उसके लिए एक अच्छा मौका साबित हुई हो। अब सरकार इस एंगल से भी जांच कर रही है। आपका इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।